5 जून विश्व पर्यावरण दिवस। नहीं पता आपको, व्हाट्सएप स्टेटस चेक कर लीजिए, मिल जाए। पर्यावरण याद आती है तो उससे पहले हमें पर्यावरण के बारे में जान लेना जरूरी है। वैसे तो आपको पता ही है, पर थोड़ा हम देख लेते हैं। पर्यावरण हमारे आसपास का वातावरण, जहां हम रहते हैं। हरा भरा एक ऐसा माहौल जहां हमें सांस लेने के लिए साफ और स्वच्छ हवा मिलती है। बेहतर पर्यावरण स्वस्थ और खुशहाल जीवन का आधार है। पर्यावरण और हमारा संबंध बहुत गहरा। ये तो बात रही पर्यावरण की, लेकिन जब बात आती है पर्यावरण संरक्षण की, तो पर्यावरण बचाइए, पर्यावरण बचाइए, अरे मत बचाइए, बिल्कुल मत बचाइए। लेकिन कब तक? सिर्फ तब तक जब तक आपके आसपास के संसाधनों का आप पूरा दोहन कर लेते, तब तक। उसके बाद क्या? उसके बाद अब पछतावा क्या होते हैं भैया? जब चिड़िया चुग गई खेत, तब तो बचाना पड़ेगा ना। तो बस बात आती है आज के इस दिन की, विश्व पर्यावरण दिवस। तो आपका तो नहीं पता, पर हम तो यह प्रतिज्ञा करते हैं, संकल्प लेते हैं कि आज से हम पर्यावरण के प्रति किसी भी विनाशात्मक रवैये को नहीं अपनाएंगे। हम खुद से परिवर्तन कर सकते हैं ना, किसी और को कहने की कोई जरूरत नहीं, खुद से शुरुआत करते हैं। अब यह तो बात हो गई आज के दिवस की, पर्यावरण संरक्षण की। एक और महत्वपूर्ण इस पर ध्यान आपका मैं आकर्षित करना चाहता हूँ, और वह यह है कि पर्यावरण संरक्षण की बात आती है, उसके पहले हमें पर्यावरण को संतुलित करने की आवश्यकता है। अरे नहीं देखा, कुछ दिन पहले चर्चा में रहा और अभी भी चर्चा का विषय बना हुआ है टिड्डियों का दल। लेकिन ये टिड्डियों का दल अचानक इतना विशाल काय रूप क्यों ले रहा है? यह हमारी फसलों को बर्बाद कर रहा है, हमारे भोजन को बर्बाद कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमने जो पृथ्वी की खाद्य श्रृंखला है उसको डिस्टर्ब किया। हमने बतख, बड़े पंछी इनका आहार करते हैं, मतलब कि शिकार और शिकारी के बीच के संतुलन को हमने तोड़ दिया है। उसी का परिणाम आज बतख होते, आज अगर पंछी होते जो इसका भक्षण करते, तो टिड्डियों का दल इतना विकराल रूप नहीं लेता। एक हमें यह बात भी अवश्य याद रखना चाहिए और ध्यान में रखना चाहिए कि पृथ्वी का संरक्षण, प्रकृति का संरक्षण हम तभी ही कर पाएंगे जब हम उसका संतुलन सही तरीके से बिठा पाएंगे। हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, पर संतुलन तो कर सकते हैं। जो जीवों का हम नाश कर रहे हैं, क्या समझ कर हम मनुष्य, इसका पृथ्वी पर एकाधिकार है, और कर लेने से होगा भी क्या? हमारा ही विनाश। अगर हमें पृथ्वी पर रहना है, इस पर्यावरण प्रकृति में रहना है, तो हमें इसके तत्वों के साथ तालमेल बनाकर चलना पड़ेगा, उसका विनाश करके नहीं। अपने वर्चस्व के लिए हम उसका विनाश कर नहीं रह सकते। पर्यावरण संरक्षण पर बात आकर रुक जाती है तो मैं पुनः यही कहूंगा कि प्रकृति के आहार खाद्य श्रृंखला को अगर हमने चलने दिया तो यह निरंतर कार्य करता रहेगा। दूसरी बात, पर्यावरण संरक्षण की जब बात आती है तो सही में इस एक दिन के मोह माया जाल से निकलकर आप पर्यावरण संरक्षण करना चाहते हैं तो अपने आसपास के दलों, संगठनों से मिलिए, उनको जानिए कि यह कर किस तरह से रहे कार्य। मैंने खुद ने अपने आसपास के संगठनों जैसे कि अनुसैया सेवा समिति संगठन, पृथ्वी बचाव समिति संगठन, वन्य जीव संरक्षण समिति संगठन, पेड़ बचाव समिति संगठन, ऑक्सीजन आंदोलन, वृक्ष बचाव आंदोलन, ऐसे कई समिति और कई संगठन, कई आंदोलनों से मैं मिला, उनसे बात की और पता चला कि वह किस तरीके से कार्य कर रहे हैं। और दूसरी बात, अगर आप सोशल मीडिया में एक बड़ा अहदा रखते हैं, यार एक बड़ा वर्चस्व रखते हैं, तो इन लोगों को सपोर्ट कीजिए। अगर सही में आप ऐसा करना चाहते हैं तो उनके कार्य को सराहना दीजिए। सिर्फ 2 मिनट बोलने से कुछ नहीं,
और पर्यावरण संरक्षण के लिए इतना ही कहूँगा कि क्या कहूँ, सब तो कह दी, बाकी आप समझदार। धन्यवाद।